मीम से भरी इस दुनिया में डेफिनेटली आपने इन दो मासूम बच्चों की ये मासूम सी परफॉर्मेंस जरूर देखी होगी। तो आज हम ये गाना तो सीखेंगे, इसके साथ साथ किशोर कुमार जी का एक और अल्टीमेट सॉन्ग भी सीखेंगे। दोनों की जो एक खास बात है, दोनों गानों की जो खास बात है वो ये है कि इसमें एक टांगा रिदम होती है। अब टांगा रिदम क्या होती है? ये एक ऐसी रिदम होती है जिसमें चक बहुत अच्छे से फिट बैठता है, और चक सीखने के लिए इससे बेटर ऑप्शन आपके पास नहीं हो सकता। तो आज के वीडियो में हमने आपके लिए एक नया सरप्राइज भी रखा है जिसमें हम लोग आपको बैठा के प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो आई एम श्योर अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे, सारे इंस्ट्रक्शंस को सही से फॉलो करेंगे, तो जो प्रैक्टिस करने का इशू होता है ना आपका कि आप समझ तो लेते हो लेकिन बजा नहीं पाते हो, वो इस वीडियो के थ्रू पूरा हो जाएगा। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, गाना भी सीखिए, अपनी टेक्निक को भी मास्टर कीजिए, और हमें बताइए कि क्या इस तरीके की चीज़ हमें दोबारा करनी चाहिए। आज के वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे कि चक को लेके आपको जितने भी सवाल हैं वो सारे दूर हो जाएं। अब कॉन्सेप्चुअली अगर बात करें, जो मैंने बहुत सारे वीडियो में पहले भी बोली है, वो ये कि चक इज़ अ डाउन स्ट्रोक जिसमें हम अपनी हथेली को भी साथ में, जैसे हम स्ट्रमिंग करते वक्त, डाउन स्ट्रमिंग करते वक्त प्लेक्ट्रम को रगड़ते हैं ना स्ट्रिंग्स के अगेंस्ट में नीचे जाते वक्त, उसी मोशन में आपको अपनी हथेली को भी रगड़ना है। अब डेफिनेटली इट साउंड्स वेरी पेनफुल प्रोसेस। आई हैव टू फॉलो एवरी लीड, हाउएवर अनलाइकली, However fucking painful it might be to your delicate fucking but ऐसा नहीं है। रगड़ने से हमारा मतलब ये है कि आपका जो पाम है वो स्ट्रिंग्स के ऊपर रखा जाना चाहिए, जिससे कि आप जब डाउन स्ट्रोक करें तो ये एक ब्लैंक या फिर म्यूटेड साउंड जनरेट हो पाए। ओके, अब दूसरा एक इशू जो मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन सिखाते वक्त, कि एक तो काफी स्टूडेंट्स हाथ को नीचे ले जाने के बजाय सामने से लाकर हिट करते हैं ऐसे, तो चक ऐसा प्रोसेस नहीं है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप ऐसे नहीं हिट करेंगे। ओके, आपको नीचे की तरफ जाना है, ना कि सामने से अंदर की तरफ आना है, वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। दूसरी बात जो एक मैंने एक दो स्टूडेंट्स का नोटिस की कि हाथ को ऐसा एक कर्व देने की कोशिश करते हैं, ऐसा आके बजाते हैं। देखिए, कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है कि जिसमें आपको कलाई को बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा या फिर किसी और तरीके का कुछ करना पड़ेगा। आपका रिस्ट भी कोई एक्स्ट्रा पोजीशन नहीं लेगा, जो नॉर्मल आप बजाते हो ना वैसे ही रहने वाला है। बस डाउन जाते वक्त आपको अपना हथेली टच करना है स्ट्रिंग्स के ऊपर, जिससे कि ये चक का साउंड जनरेट हो पाए। अब आपके लिए हमने एक स्लो मोशन तैयार किया है, जो आप अगर एक बार देखेंगे तो मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ा सा और क्लैरिटी होगा कि मैं फुल स्पीड में बजा रहा हूं बट स्लो मोशन में वो किस तरीके से दिखाई देता है। अब हम साथ में प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। साथ में प्रैक्टिस से मतलब ये पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट है हमारे वीडियोस में जब हम आपको अगले 3 मिनट तक ये बोलेंगे एक तरीके से कि आप अपना गिटार लेके रेडी रहिए और मेरे साथ में बोलते हुए जैसा मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम कॉपी करने की आपको कोशिश करनी है। सेम टू सेम आपको मुझे ऐसा रेप्लिकेट करने की कोशिश करनी है कि आपका साउंड और मेरा साउंड एकदम मैच कर पाए। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग जी कॉर्ड या ई जी कॉर्ड से स्टार्ट करते हैं, जी कॉर्ड लगाएंगे। ठीक है, और एक स्ट्रमिंग पैटर्न है जिसको हम लोग फॉलो करेंगे जो हमें आगे गाने में भी काम में आएगा प्ले थ्रू में। सो दैट इज गोइंग टू डाउन अप चक अप डाउन अप चक अप डाउन अप चक अप। अब आपको कॉर्ड चेंज नहीं करना है और अगले ऑलमोस्ट 1 मिनट तक, ठीक है, शुभम मुझे बता देंगे जब जैसे ही 1 मिनट होगा तो हम इसका स्पीड भी चेंज करेंगे। ठीक है, स्टार्ट अपने अपने गिटार के साथ आप स्टार्ट हो जाइए। चलिए 3 2 1 गो। डाउन अप चक अप डाउन अप चक अप डाउन अप चक अप 1 2 3 आप कह सकते हैं कि 3 को हम चक मान रहे हैं, बाकी आई एम जस्ट डूइंग 1 2 3 4 1 2 3 4 डाउन अप चक अप डाउन अप चक अप डाउन अप चक अप डाउन अप चक अप डाउन अप चक अप। साथ में प्ले करने की कोशिश करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 Come on, you can do it. Down up chuck up down up chuck up down up chuck up down up chuck up 1 2 3 4 1 2 3
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. अगर आपको लगा कि नहीं सर हमसे तो हो ही नहीं पाया, पॉज कीजिए, पीछे जाइए, मैं जैसे बोल रहा हूँ मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए। अगर आप सही बोल पाएंगे तो सही बजा भी पाएंगे। अब अगला एक मिनट थोड़ा सा फास्ट प्रैक्टिस करेंगे, ओके? सो 1, 2, 3, 4। डाउन अप चक अप, डाउन अप चक अप, डाउन अप चक अप, डाउन अप चक अप। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। आप 3, 4 बोलिए, मैं 1, 2 बोलूंगा। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। डाउन अप, डाउन अप, चक अप, चक अप, चक अप, डाउन अप, चक अप, डाउन अप, चक अप, डाउन अप। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ी सी हेल्प मिल पाई होगी। अब से हमारी कोशिश है कि कोई भी टेक्निक अगर हम सिखा रहे हैं ना, तो हम आपको साथ में बिठा के प्रैक्टिस करें। अगर आपको लगा कि आज ट्राई किया, थोड़ा बहुत हुआ, थोड़ा बहुत नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कल दोबारा से आओ, ये वीडियो देखो, इस पार्ट के साथ प्रैक्टिस करो फिर से। आई एम गारंटिंग यू, आई डोंट नो ये सही वर्ड है कि नहीं है, गारंटिंग कोई वर्ड नहीं होता आई गेस। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, ठीक है, पर मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को, अगर आपने लगातार 3 से 4 दिन इस वीडियो के साथ ऐसी प्रैक्टिस की, आई एम 100% श्योर आप चक को बहुत अच्छे से बजाने लग जाएंगे। अब आने वाले पार्ट में आप आज हम जो गाने सीखने वाले हैं उसकी जानकारी ले सकते हैं। आज हम जो 2 गाने सीखने वाले हैं, इन दोनों गानों में जो कॉर्ड्स हम यूज़ करेंगे वो मैं आपको बैक टू बैक बता रहा हूँ। ज़्यादातर कॉर्ड्स कॉमन है, सिर्फ एक या आधा कॉर्ड इधर उधर है। पहला कॉर्ड जो जिसमें इसके जिस स्केल में ये दोनों गाने हैं, दैट इज जी, जी ओपन। सेकेंड कॉर्ड इज सी मेजर कॉर्ड। नेक्स्ट कॉर्ड इज डी मेजर कॉर्ड। नेक्स्ट कॉर्ड इज F major 7 chord, जिसमें 7 नहीं बोलूंगा, F major chord ही बोलूंगा, लेकिन 3 fingers ही use करनी है, 4th string, 3rd string और 2nd string, 1st string को आपको mute रखना है, ठीक है? तो यही कुल मिला के 1, 2, 3 और 4, इन्हीं 4 chord पे ये दोनों सॉन्ग हमने आपको सिखाने की कोशिश की है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप यू विल बी एबल टू डू इट। तो चलिए अब चक पे ओरिएंटेड 2 गानों के एग्जाम्पल लेते हैं। पहला गाना है मीम सॉन्ग, यू कैन से दैट। हौले हौले साजना, धीमे धीमे बालमा, ओ हो आहा, जरा हौले हौले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे है तुम्हारे, जरा हौले हौले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे है तुम्हारे, कैसी भीगी भीगी रुत है सुहानी, कैसे प्यार नजारे, जरा हौले हौले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे है तुम्हारे। अब बात करते हैं दूसरे गाने की, तो दूसरे गाने का प्ले थ्रू कुछ ऐसा साउंड करेगा। ये